अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। यूं तो देश भर में लॉकडाउन की स्थिति में देश की जनता का खासा ध्यान रखा जा रहा है, हर जरूरत की वस्तु आम जन तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे में मजदूर वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अनेकों योजनाएं भी चलाई हैं, जिससे कि गरीबों के घर में चूल्हा जल सके, कोई भूखा ना रहे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व कहीं या गरीबों के पेट पर रोटियां सेकने वाले लोग नहीं चाहते कि गरीबों के घर में चूल्हा जले। इसी का एक नजारा मेरठ में देखने को मिला। आपको बता दें कि मेरठ में नगर निगम के तहत कुछ अधिकारी ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में ये आकलन करने पहुंचे कि कितने ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनको इस समय राशन की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने लोगों के राशन कार्ड और आधार कार्ड इकट्ठे किए ताकि गरीबों के घर में भी चूल्हा जल सके। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि हमें भी इस योजना के तहत राशन मिल सके, जबकि नगर निगम के तहत राशन केवल उन्हें दिया जाना था जिनके घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है। और यही बात उन लोगों को हजम नहीं हुई जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है, जिसके चलते उन्होंने नगर निगम द्वारा इकट्ठे किए राशन कार्ड और आधार कार्ड में आग लगा दी। और जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा था या बुझने की कगार पर था, उनकी जिंदगी में एक और चिंगारी जला दी। हालांकि अभी तक इन लोगों की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन इनका ये काम देश की व्यवस्था को बिगाड़ने में चिंगारी का काम कर सकता है। आइए जानते हैं क्या बता रहे हैं क्षेत्रीय लोग। मेरा नाम विक्रम बालियान। आज हमारे नगर निगम की टीम लगभग 1 बजे आई थी इंस्पेक्शन करने के लिए कि उन्हें कुछ जो जरूरतमंद हैं उन्हें राशन वितरण करने के लिए, कि जिससे उनका पता और नाम मिल जाए तो हम उसके हिसाब से राशन की पैकेज बना दिए जाएँ और उन्हें इकट्ठा करके ला के बाँट दिया जाए। उसी के लिए उनके आधार कार्ड मोबाइल नंबर ले जाए थे, जिससे सही सही पता चले कि ये लोग वास्तव में इसके हकदार हैं नहीं हैं। कुछ लोग ज़बरदस्ती चाहते थे कि ये हमारे नाम भी इसमें शामिल किया जाए, एक दौर से सबको दिलाया जाए, जबकि लायक इतना राशन नहीं होता कि सबको दिया जाए। इसी उसमें जेलिसी में हम तो जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड रखे हुए थे लाभार्थियों के लिए इकट्ठे किए थे, बाहर को चले गए उन्हें रख के। अब वो आके ये अनजान आदमी कौन है मैं नहीं जानता, उसने ला के और उनमें आग लगा दी, इतना आए इतने वो जल गए थे। तो उन लोग कौन थे और पता नहीं जला के भाग गए। वो ये चाहते थे हमारे नाम भी शामिल किए जाए सब में। नगर निगम की टीम इस वक्त कहाँ है? वो नगर निगम की टीम अब नहीं ना, वो जा चुकी थी। तो उस वक्त टीम मौजूद थी इस टाइम आग लगा? नहीं नहीं नहीं, उस समय नहीं थी। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।